असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे अलहमदिल्ला आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं जैसा कि इंट्रो और थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो मेरे वेट लॉस जर्नी के हवाले से है कि मैंने किस तरह से थ्री टू फोर मंथ में अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सेवन के जीज़ वेट लॉस किया इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना डाइट प्लान कि मैंने क्या क्या खाया कैसे खाया कितना खाया सब शेयर करूंगी आपके साथ और वेट लॉस करने में वो कौन से वर्कआउट और एक्सरसाइजेज़ थे जिन्होंने अहम किरदार अदा किया और दो अहम टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मेरे वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम वेट करके आपको दिखाते हैं कि मेरा इस वक्त वेट क्या है और पहले मेरा वेट क्या था वो क्लिप लेना मैं भूल गई थी तो उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास गई थी क्लस्टर uh, के लिए हेडिक था एक्चुअली मुझे तो उसके लिए गई थी तो उस वक्त जो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है वेट तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ ये देखिए ये जून ट्वेंटी टू और एटी एट के जी मेरा वेट है और ये मैं हेड के लिए गई थी क्लस्टर पेन था मेरे और फिर ये अगेन एटी एट के जी है फिर डे बाई डे मैं आपको बताती हूँ जब मैंने लॉस करना शुरू किया था ये फिर एक साल बाद जब मैंने स्टार्ट किया था ये देखिए एटी टू के जी हो गया था आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया था देन मेरा सेवेंटी वन के जी हो गया था स्टार्ट में तो जस्ट मैंने नाइन्टी डेज चैलेंज लेकर देखा था कि क्या मैं वेट लॉस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती तो मैं एक एक दिन को काउंट करती थी और एक एक दिन को लिखती थी कि इस दिन कितना वेट हुआ इस दिन कितना वेट हुआ रोज़ चेक कर रही होती थी मॉर्निंग में सो so, वो चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है देखिए मेरा चार्ट है जो मैंने बनाया था मार्च में, में मेरा वेट कितना था एटी एट के जी अप्रैल में एटी फोर ट्वेल्थ में एटी थ्री ये तकरीबन छः छः दिन बाद में वेट करती थी तो मेरा वेट लॉस जो होता था या जितना भी गिरता था या नहीं भी गिरता था तो वो सब मैं लिखती जाती थी 81 वन हो गया था फिर 80 के फिर 78 सेवेंटी सिक्स फिर स्टिल रहा सेवेंटी सिक्स फिर हुआ सेवेंटी फ़ोर और ये सारे डेज हैं जो मैंने लिखे हुए हैं वन डे सेकेंड डे यानी इस इस दिन मैंने डाइट ली और इस दिन सब मैंने किया और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था कि मेरा वेट स्टिल हो गया था जुलाई के बाद सिक्सटी नाइन के जी से नीचे ही नहीं जा रहा था अटक गया था तो चलिए अब मैं आपको वेट करके दिखाती हूँ अपना कि इस वक्त मेरा वेट कितना है देखिए इस वक्त मेरा वेट सिक्सटी वन है और जब मैं अपना वेट सिक्सटी या सिक्सटी के अराउंड देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है खैर बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने अपना गोल अचीव किया और मैं सिक्सटी वन के जी तक पहुँच गई हालाँकि मैं अभी भी सिक्सटी के जी तक जा रही थी बट अम्बर ने मुझे बोला कि भाई अब वीडियो बना दो बहुत हो गया सिक्सटी वन के जी तक आ गया है लेकिन मेरा अभी भी टारगेट सिक्सटी के जी तक है मुझे अपना वेट सिक्सटी के जी तक रखना है सो so, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मॉर्निंग में मैं लेती हूँ लीमू पानी लीमू पानी बहुत ही बेनिफिशियल है निहार मुँह लेने से इससे एक तो आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिस होंगे सब निकल जाएंगे आपका गट क्लियर हो जाएगा और इसके अलावा आप बहुत लाइट फील करेंगे और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है जस्ट आपने पानी जो है माइक्रोवेव में थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है और इसमें आपने एक लेमन स्क्वीज़ कर देना है सिंपली और इसमें मैं वन फोर्थ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड करूँगी ताकि मेरा गला ख़राब ना हो और ये मेरी रोज़ाना की मॉर्निंग रूटीन में शामिल है कि निहार मुँह मैं ये ड्रिंक लेती हूँ अब बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की ब्रेकफास्ट के लिए मैं रात को ही सात अदद बादाम भिगो के रख देती हूँ पानी में और सुबह ये अच्छे से फूल जाते हैं और इसका छिलका आराम से रिमूव हो जाता है ब्रेकफास्ट में मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोटीन ज़रूर लूँ प्रोटीन लेना ब्रेकफास्ट में बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए आपके हेयर के लिए आपकी फ़िटनेस एंड ग्रोथ के लिए तो प्रोटीन के लिए एक तो मैं बॉयल एग लेती हूँ और इसके अलावा मैं टू टेबल स्पून मसूर की दाल और टू टेबल स्पून मूँग की दाल लेकर अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ वॉश करने के बाद इसको मैं कुक को होने के लिए रख दूँगी बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस ऐड करके इसका हम एक तरह से सूप तैयार कर लेंगे वन फोर टी स्पून पिसी लाल मिर्च वन फोर टी स्पून पिसा धनिया वन फोर टी स्पून हल्दी और वन फोर टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी अच्छे से मिक्स करके इसको हम कुक कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें वन टी स्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा देखिए दाल को मैंने जो है लिक्विडी फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया है और ये बहुत ही मज़े की दाल लगती है और साथ में लिया है मैंने एक अदद बॉयल अंडा एक कप दूध और सात अदद छिले हुए बादाम चाय मुझे ज़्यादा पसंद नहीं इसलिए मैं चाय नहीं पीती उसकी जगह मैं मिल्क ले लेती थी एक कप लंच के लिए मैं बार्ले पॉरेज यूज़ कर रही थी फ़ौजी का दो से तीन टेबल स्पून मैं इसमें ऐड पैन में और हाफ कप इसमें पानी ऐड करके इसको कुक कर लेंगे ये बहुत ही जल्दी कल जाता है अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक कप मिल्क अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चीनी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी को बोल में कन्वर्ट करके ये दोपहर का मेरा लंच है रोज़ाना मैं अक्सर वेशतर ये यही लेती थी या कभी इसकी जगह मैं बॉईल चने ले लेती थी व्हाइट वाले या ब्लैक वाले बॉयल हुए हुए सिंपल एक प्याली अब बात कर लेते हैं इवनिंग की यानी चार से पाँच बजे के दौरान जो हल्की भुल्की भूख लगती है उसमें मैं लिया करती थी गाजर या फिर खीरा एक अदद गाजर ले ली या एक खीरा ले लिया कॉर्नस आजकल आए हुए हैं तो मैं कॉर्न बॉईल कर लेती हूँ उसके अलावा एप्पल ले लेती ले थी अगर छोटा है तो एक पूरा एप्पल ले लेती ले थी और अगर बड़ा एप्पल है तो उसको मैं हाफ़ ले लेती ले थी और अनार आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं तो आजकल तो मैं अनार बहुत शौक से खा रही हूँ एक अनार मीडियम साइज़ का जो होता है उसको मैं अच्छे से छील के वो ले लेती ले हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट है अनार मुझे बहुत पसंद है सो so, मैंने अपनी डाइट में फ्रूट्स को भी शामिल रखा क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल हैं रात के खाने में जो नॉर्मल सबके लिए सालन वगैरह तैयार किया जाता था उसी में से मैं थोड़ा सा सालन लेती थी और एक छोटी सी चपाती देखिए चपाती का साइज़ कितना है ये मेरा डिनर होता था बहुत ही सिंपल और जब राइस बनते थे तो देखिए राइस का पोर्शन इतना सा होता था और हाफ़ प्याली उसके साथ दाल लेती थी अगर कबाब फ्राई हो तो एक कबाब ले लेती थी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्कआउट के लिए मैं क्या किया करती थी एक्सरसाइज जो मैं यूज़ करती थी ज़्यादातर मैं आर्म पिट और थाइस की करती थी आर्म पिट के लिए जो मैं यूज़ करती थी एक्सरसाइजिज़ वो यूट्यूब का ही एक चैनल है गेटलो के नाम से उनकी एक्सरसाइजेज़ मैं आर्म पिट के हवाले से यूज़ करती थी और थाइस के लिए मैं हमेशा साइकिलिंग करती रही हूँ साइकिल मशीन मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ देखिए ये मेरी साइकिल मशीन जिसपे मैं साइकिलिंग करती हूँ तकरीबन थर्टी टू फोर्टी फ़ाइव मिनट्स अभी भी करती हूँ और जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी करती थी मॉर्निंग में करती हूँ मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद जो मैंने आपके साथ शेयर किया है नाश्ते से पहले तकरीबन तीस से पैंतालीस मिनट तक मैं ये साइकिलिंग करती हूँ ऐसा होता है ना कि मैट्रिक के बाद जो चार से पाँच महीने का गैप आता है तो हमें बहुत शौक उठता है अपने ऊपर तजुर्बे करने के डाइट करने के तो तब अम्मी के पीछे लग गई होंगी अंबर भी आई थिंक मुझे तो कभी भी शौक नहीं रहा था मैं जैसी थी मुझे वैसे ही पसंद था चबी चबी सा तो अंबर को शौक था तो अंबर अम्मी के साथ जाके ये साइकिलिंग मशीन लेकर आई थी लेकिन इसका बेस्ट टाइम जो था वो अब था क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना था तो अम्मी देखें हमेशा बेस्ट होती हैं अम्मी को सब पता होता है कि मेरी बच्चियों को कब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है थैंक यू अम्मी इतनी अच्छी साइकिल मशीन लाने के लिए साइकिलिंग का भी क्लिप आई थिंक अम्बर ने शूट किया हुआ है तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी uh, मैं साइकिलिंग कर रही थी तो अंबर मुझसे बातें किए जा रही थी और वीडियो बना रही थी तो आई थिंक उसका भी क्लिप रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और बेली फैट वगैरह और फुल बॉडी के लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज हमेशा से जो रही है वो वॉक है वॉक uh, मैं करती थी थर्टी टू फोर्टी मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली खाना खाने के बाद रात को और ये थे मेरे वर्कआउट सिंपल से जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल किए

मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट के बाद सरबैक्स सी लेती थी एक टैबलेट और ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना हो और इसके अलावा कैल्शियम डी लेती थी ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं ये एक मॉर्निंग में लेती थी और एक नाइट में लेती थी रात को खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद सो so, ये दो मल्टी वाइटमिनस थे जो मैंने अपनी डाइट में शामिल रखे और अलहमद किसी किस्म की कोई डेफिशेंसी इनकी वजह से नहीं हुई और प्रॉपर डाइट की वजह से भी नहीं हुई प्रिपेयर करेंगे ग्रीन टी इसके लिए ले रही हूँ मैं एक कप पानी जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने इसमें ऐड करना है वन टी स्पून ग्रीन टी वन फोर्थ टी स्पून अजवाइन दो से तीन टुकड़े दालचीनी के और इसको तकरीबन दो से तीन मिनट तक हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। अच्छे से बॉयल आ गया है अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी ग्रीन टी की ये रेसिपी बहुत ही बेनिफिशियल है आप बिलीव कीजिए ये वेट लॉस जर्नी में बहुत अहम किरदार अदा करती है अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे इसमें बहुत ही बेनिफिशियल है ये ग्रीन टी ये ग्रीन टी आपने खाने के बाद नहीं लेनी या खाने से पहले भी नहीं लेनी ये ग्रीन टी आपने तब लेनी है जब आप सोने जा रहे हो यानी बस आपने बिस्तर पे अब लेटना है उससे पहले आप ये टी ले लेंगे ये वेट लॉस में बहुत अहम किरदार अदा करती है वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ दो ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि वेट लॉस में आपको बहुत हेल्पफुल होंगी तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने पानी बॉईल कर लेना है गरम पानी आपने थर्मस में भर लेना है और आपने गरम पानी इनटेक करना है आपने ठंडा पानी नहीं पीना है सर्दियों में तो थोड़ी आसानी रहेगी लेकिन मैंने गर्मियों में गर्म पानी पिया है जो कि बहुत मुश्किल होता था उस वक्त पीना स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी लेकिन फिर मैं यूज़ टू हो गई थी तो मैं गरम पानी पीती थी एक टिप तो ये है और दूसरी टिप ये है कि आपने मीठा बिल्कुल नहीं खाना है आपने चीनी को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देना है एटलीस्ट शुरू के दो से तीन महीने स्ट्रिक्टली डाइट जब आप फॉलो कर रहे हो तब तो आपने बिल्कुल भी चीनी नहीं लेनी है सो so फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो वेट लॉस जर्नी के हवाले से और यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी अपने फ्रेंड्स एंड कजन्स को जो मोस्टली मेरे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि ये वीडियो जल्दी से बना के अपलोड कर दो और मैं उनको कह रही थी अभी थोड़ा टाइम और थोड़ा टाइम और क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत सारे जो थे वो क्लिप्स वगैरह मैंने कहीं और शूट किए हुए थे शूट हुए हुए रखे हुए थे उन सबको एडिट करना तो इसमें टाइम लग रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा था कुकिंग की वीडियोज़ थी उनको एडिट करना उनको अपलोड्स करना फिर उसके अलावा फैमिली गैदरिंग्स थी घर के काम होते थे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी ऐसा होता था कि व्हाट्सएप वगैरह पे कोई पिक्चर शेयर कर देती थी तो मेरी फ्रेंड्स और मेरे कज़न्स जो थे वो बहुत इंसिस्ट करते थे कि यार जल्दी से अपना डाइट प्लान शेयर करो कि तुमने क्या किया कैसे कम कर लिया तो उनसे मैं एक दफ़ा फिर सॉरी कहूँगी कि इतनी लेट हो गई वीडियो रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में सो आई होप आपको अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि मैंने किस तरह से अपना वेट लॉस किया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वेट लॉस जर्नी की वीडियो कैसी लगी और मेरा न्यू लुक मेरी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल हाफि बाय बाय